वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास किस तरीके से कि क्या हो, जैसे टेंजेंट हो, ठीक है, कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, साइन ऑफ कोट इनवर्स 1/2, ठीक है। जैसे लास्ट वीडियो में ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, ठीक है, सोल्व करने के लिए इसको कैसे सोल्व करें। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रिक क्या थे हमारे पास, जैसे जो बार ट्रिग्नोमेट्री उसका अंदर रेसिप्रोकल हो, मतलब बार अगर टेंजेंट है तो अंदर क्या हो, टेंजेंट का इनवर्स हो, यहां पर क्या हो, टेंजेंट का इनवर्स हो, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड साइन है तो यहां पर क्या हो, साइन इनवर्स, या फिर अगर यहां पर कोट इनवर्स है यहां पर कोट हो, इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम यहां से, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको कोस को टेंजेंट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके दो मेथड हैं, कौन कौन से, सबसे पहला मेथड है कि इसको टेंजेंट इनवर्स की टर्म में चेंज कर लें, ठीक है। किस तरीके से, जैसे यहां पर टेंजेंट एज इट इज, ठीक है, और कोस इनवर्स को टेंजेंट की टर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बताओ, ठीक है, किस तरीके से था फॉर्मूला, जैसे क्या ट्रिक थी हमारे पास, पीबीपी एचएचबी, ठीक है, और यहां पर साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ठीक है। वहां से हमने कन्वर्जन सीखा था किस तरीके से कि जो कोस है, जो कोस इनवर्स एक्स है, इसको कन्वर्ट करना है टेंजेंट की टर्म में, ठीक है। इसी को थीटा मान लो, ठीक है, यहां से थीटा मान लो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम, इसको एक तरफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। यहां से अब इसको एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वन, इस तरीके से, ठीक है। और अब कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बी बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, बी बाई एच, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो बेस कितना है, एक्स, और एच की वैल्यू है वन, ठीक है। और किसकी टर्म में चाहिए हमें, टेंजेंट की टर्म में, ठीक है, इसको टेंजेंट की टर्म में सोल्व करना है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब पी बाई बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बेस की तो वैल्यू है, परपेंडिकुलर की है नहीं, ठीक है। यहां पर कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हमें, सिंपली पाइथागोरस, ठीक है। किस तरीके से, जैसे जो एच स्क्वेयर है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है। मतलब अब एच की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन का स्क्वेयर, ठीक है, बेस का स्क्वेयर, मतलब बेस की वैल्यू एक्स, तो एक्स का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी होगी, वन माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर रूट, इस तरीके से, ठीक है। तो टेंजेंट की टर्म में किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, जैसे पी बाई बी, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, इस तरीके से, और बेस, ठीक है, बेस कितना था, एक्स था, ठीक है। और जब यहां पर थीटा वापिस वैल्यू पुट अप करते हैं, जैसे थीटा वापिस वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है, और यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोस इनवर्स एक्स को टेंजेंट की टर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, यहां पर टेंजेंट इनवर्स, और यहां पर क्या लिखेंगे हम, वन माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और डिवाइड में है एक्स, ठीक है, यहां पर है साइन, ठीक है। अब इसको कोट इनवर्स को साइन इनवर्स की टर्म में चेंज किस तरीके से, साइन इनवर्स, ठीक है। अभी यहां पर क्या होगा, इसी तरीके से ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब क्या ट्रिक थी हमारे पास यहां पर, सिंपली कि इसको याद रखने के लिए कुछ भी, पाकिस्तान भूखा पैसा, ठीक है, और हिंदुस्तान बराबर है, ठीक है, कोई भी ट्रिक हो सिंपली याद रखने के लिए, ठीक है। अब कोट इनवर्स को साइन की टर्म में, अब कोट थीटा कितना होता है, जैसे टेंजेंट थीटा होता है पी बाई बी, और इसका रेसिप्रोकल, मतलब कोट थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, मतलब बी बाई पी, इस तरीके से, ठीक है। और वहां से जब सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है, इसी तरीके से सोल्व करेंगे, क्या आएगा यहां से, जैसे कोट थीटा है, इसी को कोट, जैसे कोट इनवर्स 1/2 है, इसको सबसे पहले थीटा, ठीक है, और इसके बाद 1/2 एक साइड, और यहां पर कोट थीटा, किस तरीके से आया होगा, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई किए कोस से, ठीक है।
अभी कोट थीटा किसके बराबर है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें किसकी टर्म में चाहिए, साइन की टर्म में चाहिए, साइन इनवर्स की टर्म में। साइन किसके बराबर होता है, पी बाई एच की, साइन थीटा, ठीक है। अब किसकी वैल्यू हमारे पास है, पी की तो है, परपेंडिकुलर की तो वैल्यू है 2, लेकिन हाइपोटेनियस की नहीं है, वो किसके बराबर होगी, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, या फिर बेस का स्क्वेयर मतलब बेस कितना 1, तो 1 का स्क्वेयर 1 प्लस का साइन, परपेंडिकुलर कितना 2, 2 का स्क्वेयर 4, और यहां से एच किसके बराबर होगा, यहां पर स्क्वेयर है तो इस साइड स्क्वेयर रूट और ये 5, इस तरीके से, ठीक है। तो साइन थीटा इसके बराबर है, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, 2 बाई स्क्वेयर रूट 5, ठीक है। इसके बाद यहां पर टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, कैंसल होंगे, ठीक है, कैंसल नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स की मल्टीप्लाई है, वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी की, जैसे ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, इसलिए यहां पर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है, और यहां पर 2 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 5, इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या होगा यहां से डायरेक्ट कि x फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो किस तरीके से x फाइंड आउट करें, सबसे पहले स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट के लिए दोनों साइड स्क्वेयर कर दें, ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और अब x का स्क्वेयर, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वेयर, और नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ 5, वो किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। इसके बाद तो कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए 1, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर अलग अलग के नीचे लिख लो, ठीक है, ताकि जो फाइंड आउट करना वो एक साइड बच जाए, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर वो कितना होगा, 1, और ये किसके बराबर है, 4 बाई 5 के, ठीक है। ये इस साइड माइनस 1 है, उस साइड कितना होगा, +1, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, एलसीएम लेंगे, ये किसके बराबर होगा, 9 बाई 5 के, ठीक है। अब 1 बाई एक्स स्क्वेयर है 9 बाई 5 के, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वेयर किसके बराबर होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, इसका रेसिप्रोकल कर लें डायरेक्ट, ठीक है। और यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका स्क्वेयर रूट, अब 5 का स्क्वेयर रूट और 9 का स्क्वेयर रूट 3, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी, जब स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट करते हैं, ठीक है, मतलब जब इवन पावर से, ठीक है, जब इवन पावर से डिवाइड करते हैं तो एक साइड प्लस माइनस आता है, ठीक है, प्लस माइनस आएगा जब इवन पावर से डिवाइड करें, जैसे 2 है पावर 4 है 6 है, ठीक है, ओड में नहीं होता, ठीक है। अब प्लस माइनस है, लेकिन अब ये दोनों वैल्यू के लिए हम सोल्व चेक करेंगे, ठीक है, सिंपली इसकी कौन सी वैल्यू इस जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, यहां पर इसको सेटिस्फाई के लिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू एक बार स्क्वेयर रूट 5/3 यहां पर पुट अप करेंगे, ठीक है, और एक बार माइनस का, ठीक है, जो सी भी इज इक्वल टू या फिर प्रूव हो जाए, ठीक है, वही क्या है, आंसर है, इस तरीके से, ठीक है। तो चेक करने के बाद एक्स की वैल्यू आएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 5/3 जब यहां पर पुट अप करेंगे, ठीक है। अब यहीं पर सेकंड मेथड क्या हो सकता, जैसे क्या था हमारे पास, टेंजेंट ऑफ, ठीक है, अंदर क्या था, सिंपली कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और यहां पर साइन ऑफ कोट इनवर्स 1/2 ये था, ठीक है। अभी एक तो इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, कन्वर्ट मतलब एक सेम ट्रिग्नोमेट्री बनाएं, ठीक है, अंदर बाहर, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं यहां पर, सेकंड मेथड क्या हो सकता है यहां पर, इसका अल्टरनेट कि अब यहां पर क्या है, साइन ऑफ, ठीक है, अब साइन ऑफ ये क्या है, कुछ भी लिखाओ, ठीक है, कुछ भी लिखाओ, ये साइन के लिए क्या है, सिर्फ थीटा है, ठीक है, साइन के लिए क्या है, सिर्फ थीटा, अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है, अंदर कुछ भी लिखाओ वो एंगल के बराबर होता है थीटा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी टेंजेंट के लिए सिर्फ थीटा है, ठीक है, सिर्फ थीटा है,
मतलब कुछ भी लिखाओ, ठीक है। अब टेंजेंट ऑफ दिस, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, सिंपली, ठीक है, मतलब साइन बाई कोस, साइन थीटा, अब थीटा ये है कोई बात नहीं, इस तरीके से, और डिवाइड में, डिवाइड में कोस थीटा, कोस ऑफ थीटा कितना है, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब साइन और कोट, ठीक है, इसको एज इट इज रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर डिवाइड में, सिर्फ डिवाइड में कोस और कोस इनवर्स की मल्टीप्लाई, इसीलिए कैंसल, तो सिर्फ यहां से क्या वैल्यू बचेगी, एक्स बचेगा हमारे पास सिर्फ, ठीक है, और ऊपर एज इट इज, ठीक है। अब क्या हमारे पास कि साइन कोस इनवर्स एक्स और डिवाइड में एक्स, ठीक है, और साइन कोट इनवर्स 1/2 इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली क्या है कि साइन ऑफ दिस, ठीक है, और साइन ऑफ, साइन के लिए ये सिर्फ थीटा है, ठीक है, और ये थीटा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां से अब जैसे इस साइड भी साइन है, इस साइड भी साइन है, ठीक है, इस साइड भी साइन है, कि दोनों साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, वो तब अप्लाई थी जब इसके साथ सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, या फिर ये जो एक्स है, ये एक्स साइन के लिए, इसका एंगल नहीं है, मतलब ये इस तरीके से नहीं है, ठीक है, कि ये इसका एंगल एक्स, एक्स अलग से, अलग से का मतलब 1/x अलग है और साइन थीटा अलग है, ठीक है, 1/x अलग से है, ठीक है। तो यहां पर साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कोस को, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट याद करने के लिए 1 - x² होगा, ठीक है, साइन को कोस में या फिर कोस को साइन में, और इसको कोट इनवर्स को साइन की टर्म में चेंज कर लो, ठीक है, अभी कन्वर्ट किया था, ठीक है, वहां से किसकी वैल्यू आई थी, 2/√5, ठीक है, और यहां पर 1/x तो अलग से है, इनटू में इसको कन्वर्ट किया, तो यहां पर क्या होगा, 1 - x² ऊपर, ठीक है, और यही क्या थी हमारे पास, जो फर्स्ट मेथड था उसमें भी यही वैल्यू आई थी, इसके बाद दोनों साइड स्क्वेयर किया, ठीक है, और इस तरीके से हम आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।